हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 बजट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 10,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि इन पांचों में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर है दोस्तों। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं गाइस कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो पहला स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से रेडमी 9 प्राइम है दोस्तों, और ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है दोस्तों। बात करें Redmi 9 Prime के स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच देखने को मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 13 मेगापिक्सल का है, साथ ही यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का हेलियो G80 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। Redmi 9 Prime में आपको 5020mAh का बैटरी दिया गया, और साथ ही यहाँ पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 4GB रैम एंड जो 64GB वाला स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको 9999 पड़ेगा। दूसरा स्मार्टफोन टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क पावर 2 है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 7 इंच का HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के अप में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच देखने को मिल जाएगा। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बैक पैनल में देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो इसका मेन कैमरा वो आपको 16 मेगापिक्सल का है, साथ ही 5 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का हेलियो P22 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको 6000mAh का बैटरी दिया गया है, और साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 4GB रैम एंड 64GB वाला जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको 9999 पड़ेगा। तीसरा स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच और नॉच देखने को मिल जाएगा, जहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा, और इस स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा वो आपको 48 मेगापिक्सल का है, साथ ही यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, जो इसका फोर्थ कैमरा है दोस्तों, वो आपको लो लाइट सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Infinix Hot 9 Pro में आपको MediaTek का Helio P22 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे आपको 10W का चार्जर देखने को मिल जाएगा। 4GB रैम एंड जो 64GB वाला स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको 9999 पड़ेगा। चौथा स्मार्टफोन Realme की तरफ से Realme Narzo 10A है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जो इसका मेन कैमरा वो आपको 12 मेगापिक्सल का है, साथ ही यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Realme Narzo 10A में आपको MediaTek का Helio G70 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है। 3GB रैम एंड 32GB वाला जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको 8999 पड़ेगा। पांचवा स्मार्टफोन Motorola की तरफ से Moto Z8 Power Lite है दोस्तों। बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप में आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच दिया गया है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बैक पैनल में देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में दोस्तों, तो इस स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जो इसका मेन कैमरा वो आपको 16 मेगापिक्सल का है, साथ ही यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। Moto G8 Power Lite में आपको MediaTek का Helio P35 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया, और साथ ही यहाँ पे आपको 10W का चार्जर देखने को मिल जाएगा। 4GB रैम एंड जो 64GB वाला स्टार्टिंग वेरिएंट है, इसका प्राइस आपको 9499 पड़ेगा। तो ये पांचों स्मार्टफोन जो है वो आपको 10,000 के अंदर देखने को मिल जाता है।
इन पांचों स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि इन पांचों में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर होगा दोस्तों, तो मेरे हिसाब से Redmi 9 Prime स्मार्टफोन जो है ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और Redmi ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको MediaTek का Helio G80 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो अगर ये आप स्मार्टफोन लेते हो तो इसमें आप PUBG वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से खेल पाओगे, कोई भी लैग वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो चिपसेट है काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे देगा। साथ ही Redmi 9 Prime में आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम पांचों में से आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो काफ़ी अच्छा मिले, तो Redmi 9 Prime स्मार्टफोन जो है ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है Redmi की तरफ से। और अगर आप एक अच्छा बैटरी बैकअप और साथ ही साथ एक बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh का बैटरी दिया गया है और साथ ही यहाँ पे आपको 18 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही टेक्नो स्पार्क पावर 2 में आपको 7 इंच का एक HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज वगैरह देखने के लिए या फिर मूवीज वगैरह देखने के लिए एक स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो टेक्नो स्पार्क पावर 2 स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको फुल डे बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। तो टेक्नो स्पार्क 2 जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो या फिर कोई भी मूवीज़ वगैरह के लिए आप एक फ़ोन लेने की सोच रहे हो, आपके लिए गेमिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है तो आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन पांचों में से आप किस स्मार्टफोन को परचेज करने की सोच रहे हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।